युवा पंजाबी महासभा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ लगभग आधा दर्जन लोगों द्वारा बुरी तरह की गई मारपीट की निंदा और पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई तत्परित कार्रवाई की सराहना करते हुए युवा पंजाबी महासभा के अध्यक्ष पारस धवन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गत दिनों व्यापारियों और भाजपा नेता राजेश गुम्बर और सनी बत्रा के साथ सड़क निर्माण कार्य के दौरान मामूली कासुनी के उपरांत हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहना कार्य किया गया है। तो वहीं उन्होंने अन्य दुकानदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मारपीट की घटना के दौरान दुकानदार फोन से वीडियो बनाने में मशगूल रहे। उन्होंने कहा यदि दुकानदार जागरूक होकर आरोपियों का सामना करते तो ऐसी घटना नहीं होती। पारस जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, क्या है बुरा? सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। और मैं जो प्रकरण हमारे गदरपुर शहर में परसों हुआ है, परसों रात्रि 5:30 बजे शाम को मैं उसकी कड़े निंदा में पंजाबी महासभा की तरफ से, युवा पंजाबी महासभा की तरफ से भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन के लिए उसे प्रार्थना करता हूँ कि अपनी जो आपको कहते हैं एक्टिवनेस वो बढ़ाएं समाज में, आपने जितने भी जो आपकी क्या बोलते हैं जो भी आपकी रैकियाँ हैं, जो भी आप करते हैं भ्रमण करते हैं शहर में उसको बढ़ाएं और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो दो। और ख़ास तौर से पंजाबी समाज के वरिष्ठतम एक व्यापारी पर इतनी बड़ी घटना हो गई और समाज हमारा, मैं व्यापार मंडल से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक्टिवनेस बढ़ाएं। और शहर को बंद होने में बहुत टाइम लग गया था, 5:30 की घटना को 8 बज गए शहर बंद होते होते। मैं चाहता हूँ कि व्यापार मंडल भी इसमें अपनी भूमिका और आगे बढ़ाए, ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसमें व्यापार मंडल को एक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए और जल्दी से जल्दी शहर पूरा बंद होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई से कितने समय? देखिए पुलिस कार्रवाई उस दिन तो हमें बहुत ढीली लग रही थी, मगर माननीय शिव अरोड़ा जी ने इसमें सतर्कता दिखाई। गदर रुद्रपुर से यहाँ पहुँचे माने मेयर जी वहाँ से यहाँ पहुँचे, उन्होंने माने गुंजन चुकीजा जी तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात करी, माने SSP जी से बात करी और वो यहाँ पर तुरंत यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद हमें सुनने में आया कि 12 घंटे में जितने भी नामजद आरोपी थे वो अरेस्ट हो गए और पुलिस प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और बाकी जिला प्रशासन ने भी इसमें सहयोग किया है, जिला प्रशासन ने नापजोक की है, वर्ग 4 की भूमि पे उनके घर बने हुए हैं और उसके ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई चल रही है सुनने में आया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, किसी भी समाज के साथ ना हो, पंजाबी समाज तो खासतौर से हम यहाँ पर समाज को, भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पंजाबी समाज ऐसे ही मशहूर है, भारत की प्रगति में मशहूर है, इसको आगे बढ़ाया है भारत को और आगे भी बढ़ाता रहेगा।